की बस अड्डे ड्यूटी सेशन कमरे के अंदर काम करने वाले कर्मचारी डर के साए में जीने को मजबूर है। टूटी दीवार और झड़े हुए लेंटर के नीचे काम करने को मजबूर है कर्मचारी। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नजारा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित बस स्टैंड का है, जिसमें प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों से दिल्ली बसे लोगों को लेकर जाती। वहीं बल्लभगढ़ में ही ड्यूटी सेशन कमरे की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लगातार डर के साए में कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। लगातार अधिकारियों को इस कमरे की खस्ता हालत के बारे में अवगत करवाने के बावजूद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब आखिरकार इन कर्मचारियों ने मीडिया के सामने गुहार लगाई कि इस खस्ता हालत कमरे को सुधारा जाए, क्योंकि कई बार अक्सर इससे बरसात के दिनों में पानी उनके दस्तावेजों और कंप्यूटर को भिगो देता है। वहीं आए दिन उनके बैठे रहने पर लेंटर भी भरभराकर नीचे गिर जाता है, जिससे हादसों की संभावना लगातार इनके जहन में रहती है, जिससे इनका ध्यान काम में नहीं लग पाता। इस कमरे की छत के नीचे 10 लोग कार्य करते हैं। कमरे की छत का सारा प्लास्टर टूटा हुआ है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि 2 साल से इस कमरे की हालत को लेकर महाप्रबंधक को अवगत कराया गया और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखना होगा कि प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद जिले के होने के बावजूद उनकी बल्लभगढ़ विधानसभा के स्थित बस अड्डा कार्यालय कब तक और कितनी जल्दी दुरुस्त हो पाता है, यहाँ देखने वाली बात होगी। मेरा नाम हरी सिंह है जी। हाँ जी, इसकी शिकायत हमने कई बार दे चुके हैं जी, और हमने ये भी कहा कि अगर आप इसकी मरम्मत नहीं कराते तो हमारा रूम चेंज कर दो। अच्छा। लेकिन इस चीज के बारे में हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसमें इवनिंग मॉर्निंग टोटल लगा के 10 आदमी काम करते हैं। हम तो अपने महाप्रबंधक को सबसे पहले, जो हमारा यहाँ डीलिंग हैंड है बिल्डिंग कलर, उसी को अपनी शिकायत देते हैं। नहीं, साहब के पास तो हम जब जाते हैं कि भाई, जब हमको, हमने पहले अपने अधिकारी को अवगत कराना होता है। अभी हमें कोई आश्वासन नहीं है। जिसके ये चाहते हैं, या तो इसकी छत को बदला जाए या हमारा रूम चेंज किया जाए, क्योंकि बारिश में, पूरी बारिश में अगर एक बार बारिश होगी, कम से कम 10 दिन के लिए, ऐसे 10-15 दिन के लिए टपकता रहता है। इसमें सारे कागजात जो हमारे हैं वो सारे भीग जाते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर भीग जाता है। आपने सारा सामान देखा होगा, इसमें जहाँ आप और हम खड़े हुए हैं, यहाँ एक कहीं भी खड़े होने की इतनी जगह नहीं रहती है कि जो हम यहाँ खड़े होकर इसमें बैठ जाएं या कहीं काम करें। मेरा नाम विजेंद्र सिंह, ड्यूटी क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ इस, और हमारा ड्यूटी सेक्शन में हम 10 आदमी कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के बाद ये, इसके बारे में कम से कम 2 साल हो गए, मैं अवगत कराते वरबली अवगत भी करा दिया, रिटर्न में भी दे दिया महाप्रबंधक महोदय जी को, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक भी किसी प्रकार के। मैं प्रेस प्रवक्ताओं के जरिए, आपके जरिए माध्यम से, हमारी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, महासंघ, SKS सबके द्वारा अवगत भी करा दिया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं किया किसी भी तरह से। हमारा ये सुरक्षित रहे, हमारे कर्मचारी सुरक्षित रहे, आगामी भी भविष्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। परिवहन मंत्री जी कहते हैं आपके लिए बढ़िया वो कराए जाएंगे, रूम भी कराए जाएंगे, रेस्ट रूम भी कराए जाएंगे, लेकिन वो वहाँ से तो फोन पर आ जाता है जी, हो जाएगा, लेकिन उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होती। वो तो जी डिपो में आते हैं, कई बार निरीक्षण बाहर से बाहर निकल जाते हैं, मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, वो हर रूम में तो घुस नहीं सकते किसी भी तरह से, लेकिन अवगत जरूर करा दिया गया है।